पहले दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमीवे वर्सेस कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा का जो लास्ट डिस्ट्रैक आया हुआ था मचाएंगे 4, उसके रिप्लाई में एमीवे ने उनकी तरफ से मचाएंगे 4 डिस्ट्रैक रिलीज कर दिया हुआ है। और इस डिस्ट्रैक के रिलीज होने के बाद कुछ हैशटैग जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड करने लगे। जैसे कि आप देख सकते हो एक हैशटैग है #MEWE, साथ ही MEWE बंटाई भी ट्रेंड कर रहा था। आप देख सकते हो मिंटाने की स्टोरी डाली हुई थी। साथ ही एक और हैशटैग ट्रेंड कर रहा था कृष्णा का, #Krishna ट्रेंडिंग विद #MEWE, और इसी को शेयर करते हुए मिंटाने की स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने DNH आर्टिस्ट कलमकार बिलीप बालों को मेंशन करते हुए लिखा हुआ था, आई नेवर थॉट दिस गो सो चीप टू गो अगेंस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक आर्टिस्ट डैश इंडस्ट्री पैड बोट्स एंड PR एजेंसी। इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की हुई थी जो की बंटा रिकॉर्ड के काफी सारे आर्टिस्टों ने शेयर की हुई है, जो सलीना है उन्होंने भी, जो यंग आलिम है उन्होंने भी। तो आप खुद देख सकते हो ये क्लिप। फैंस को ये बोलो कि भाई इसके गाने पे जाके कमेंट ना ठोके, क्योंकि इसके गाने पे कमेंट करने से ये ट्रेंडिंग पे चला जाएगा जो ये डिजर्व नहीं करता। हाँ ब्रो, रिपोर्ट करा रहे हैं बस, रिपोर्ट हम लोगों ने देखा है, रिपोर्ट करा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, ये बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं सरकास्टिक, जैसे मिंटा पे किया था वैसे ही कर रहे हैं भाई। जो जो है स्पेस में भाई जाके कमेंट मत करो, बस रिपोर्ट। मैं तो देखा भी नहीं, सुनना है जाके सुन लो मेरे ट्विटर पे, उसको एक भी व्यू मत दो, उसको जाके रिपोर्ट करो अब्यूसिव कंटेंट के लिए और हटाओ उसको भाई। अरे कुछ मत करो यार, मस्ती करो, अभी मजे काटो, कोई टेंशन मत लो अपना। इसके बाद मिंटा ने और भी स्टोरीज डाली हुई थी। एक स्टोरी में उन्होंने लिखा हुआ था, एड्स तो चलो ठीक है, प्रमोशन करे थे खुद के वीडियोस के व्यूज बढ़ाने, लेकिन ये ऐसा स्ट्रेटजी कि बंटाई को गिराने इतना नीचे गिर गए हैं ये लेवल वाले, दुकान बंद हो गई तुम्हारी आज से, सच सबके सामने। साथ ही उन्होंने अगली स्टोरी में लिखा हुआ था, तभी मैं सोचूं रोहन कारियप्पा का घर ऐसे चल रहा है, कमाई बंद आज से तेरी, किसी दिन सामने दिखना मत, लिरिकल ब्रेकडाउन करता है ना तुझे फिजिकल ब्रेकडाउन बताऊंगा। और न्यूज में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एमीवे के डिस्क को शेयर करते हुए जो गॉस म्यूजिक है उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था, फैक्ट्स एमीवे बंटा है गोश्त या फिर गॉस की राइटिंग की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी एमीवे भाई को। साथ ही एमीवे ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की हुई थी एक रिएक्शन चैनल की, आप देख सकते हो। औरत औरत होती है भाई, एक लड़की हो, एक बच्ची हो, एक औरत हो, एक माँ हो, यू फील मी। वो पहले ही नहीं जाना चाहिए था किसी औरत के ऊपर, किसी माँ किसी हक से किसी के ऊपर, उन लोग में आपस में चालू था, आपस में चालू रहना चाहिए था वो। और एमीवे के डिस रिलीज होने के बाद जो इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड गेमिंग चैनल है, मतलब कि टोटल गेमिंग, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था कृष्णा, और उन्होंने आप देख सकते हो किंग वाला एक स्टिकर लगाया हुआ है। साथ ही जो औतन है उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी हंसने के इमोजी के साथ में। साथ ही जो आमिर सिद्दीकी है उन्होंने लिखा हुआ था, हेडशॉट बोलते इसको, एमीवे बंटा है हटेला है। साथ ही जो कलम इंक है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी। एक स्टोरी में उन्होंने लिखा हुआ था, आज 11 बजे आई विल प्रूव यू गाइज दिस मोर देन जस्ट आर्ट, उसके बाद खुद की आत्मा से पूछना ये सवाल कि अच्छे आर्टिस्ट क्यों नहीं चल पा रहे। साथ ही जो पतंग म्यूजिक है उनका नया सॉन्ग रिलीज हो चुका है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।